हेलो और आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरी चैनल पे। आई नो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे, ट्रैवलिंग व्लॉग्स नहीं आ रहे। सबको पता तो चल गया होगा मेरे लास्ट वीडियो से कि क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे, बिकॉज के मेरी शादी थी नवंबर में, तो उस काम में बिजी था, तो उस वजह से व्लॉग्स नहीं कर पा रहा था। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप थोड़े बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ देख लीजिए मेरी शादी के, और फिर बाद में बताना कैसे लगे आपको। ये वीडियोस देख के आपको बहुत मजा आया होगा, अगर मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। आज का जो वीडियो है ना, वो ना तो ट्रैवलिंग व्लॉग है ना राइड है, कुछ नहीं, ये जस्ट मेरा मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरी शादी से पहले और शादी के बाद। शादी के सबके लिए एक बहुत बड़ा मतलब लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें नर्वसनेस भी होता है, बहुत कुछ होता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मुझे मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज के फैमिली में सबसे छोटा मैं ही हूँ और मेरे सब बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी है, तो मेरी शादी कैसे हो गई मुझे भी नहीं पता है, कि मुझे किसी काम में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे ब्रदर्स सब जितने भी हैं सबने बहुत सपोर्टिव है। दूसरी बात है कजिन्स की, और कजिन्स का तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे खुद के रियल भाई बहन तो नहीं है लेकिन कजिन्स मेरे बहुत सारे हैं, तो उसमें से मेरे आपने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स में काफ़ी बार देखे होंगे मेरे कजिन्स के वीडियोस, तो उसमें से मेरे जितने भी कजिन्स हैं सबका नाम भी आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है मैं और मंशुक जोसेफ यहाँ पे हैं, बाकी हर्ष है, रिया है, विधि है, फिर अभिषेक, अनुरागी सब बाहर है, मतलब एब्रॉड है। तो जब मेरी शादी फाइनल हुई थी तो मैंने सबसे पहला मैसेज जो था वो हर्ष, रिया, विधि और अभिषेक, अनुराग को ही किया था, बिकॉज कि उनको पता चले कि सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है, अब्रॉड है बोलो तो उनको फाइनेंशियली सब चीज़ देखनी है, फ्लाइट टिकट्स भी देखनी है, वो लोग अगर स्टडी पे हैं तो उनका कॉलेज सब मैनेज करना है, जॉब है, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा टफ होता है उनके लिए, तो सबसे पहले ये चीज़ मैंने उनको बताई थी। दैन उसके बाद सबने अपनी टिकट्स बुक करवा दी थी, उसमें से हर्ष ने मुझे बोल दिया था कि वो कौन सी डेट पर आने वाला है, उसने मुझे बोला था वो अप्रॉक्स 24th November आएगा, मतलब शादी के दो दिन पहले, तो ज़्यादा मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता था, नहीं कि आप इतना जल्दी आओ, कि बिकॉज के आई नो कि वो लोग बाहर हैं तो एवरीथिंग दे नीड टू मैनेज, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। रिया का मुझे पता था कि वो भी 25th को आ रही थी, और विधि का जो सबसे मेन सरप्राइज था मेरे लिए मेरी शादी का, कि वो नहीं आ सकती थी बिकॉज के वो जून में ही गई थी, सॉरी हाँ जून में ही गई थी, और किसी के लिए भी आना इतना टफ है कि 4 महीने में इंडिया वापस आए, वो ऑस्ट्रेलिया है तो उसके सारे एक्सपेंसेस है, कॉलेजेस उसके चालू है, तो वो सब भी उसको मैनेज करना था, तो उसका मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो नहीं आएगी। और अभिषेक, अनुराग उन्होंने भी बोला था कि भाई 26th मॉर्निंग को आ जाएगी, जिस दिन हमारा फर्स्ट फंक्शन था, तो थोड़ा वहाँ पे मैं नर्वस था कि सब 2 दिन पहले आ रहे हैं, ठीक है लेकिन मैनेज कर लिया कि सब एटलीस्ट आ रहे हैं, और कॉशन नहीं आने वाले थे बिकॉज दोनों काम में बिजी थे। देन आफ्टर दिवाली आ गई और ऑलमोस्ट शादी के दिन नज़दीक थे, 19 November को हर्ष आ गया, उसका मुझे आइडिया था कि वो जल्दी आएगा कहीं ना कहीं, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो 19 तारीख को ही आ जाएगा। एक सबसे बेस्ट सरप्राइज मेरे लिए वो था, यस के कभी कभी मैं ये चीज़ शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे लिए एक अच्छी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। दैन फिर अभिषेक अनुराग, जो कि एटलीस्ट मुझे पहले पता चल गया था वो लोग आने वाले, बिकॉज के मैंने उनको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, कुछ काम था और उन दोनों को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था, तभी मुझे डाउट हो गया था कि वो दोनों भाई कभी नेट ऑफ नहीं करते, इतने टाइम से नेट ऑफ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। देन मुझे स्ट्राइक हो गया था कि वो दोनों भी आ रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा पता चल गया था। और बाद में आई विधि का अनएक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट 26 तक वो नहीं थी, और मुझे ऐसा था कि 2% मिस है खाली, अगर वो दोनों आते तो मज़ा ही कुछ और होगा। देन सडनली 26 को, मतलब समझो 27 डेट हो गई थी, सुबह 3 बजे हम लोग सब सो रहे थे,
लिटरली किसी को नहीं पता था, सिर्फ रिया को पता था कि दीदी आ रही है। और रिया ने सब मेरे घर पे ही सो रहे थे क्योंकि शादी का त्यौहार तो कजिन साथ में होते तो मजा आता है। तो रिया ने अभिषेक को बोला था कि उसकी कोई फ्रेंड आ रही है अहमदाबाद से तो उसको पिक करने जाना है रात को। तो अभिषेक और रिया दोनों गए थे लेने के लिए, तो अभिषेक को भी नहीं पता था कि विधि आ रही, सिर्फ रिया को पता था। देन दोनों गए लेने, एट दैट टाइम अभिषेक ऑल्सो सरप्राइज्ड। फिर वो लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि अभिषेक जो खारी घर से लेके गया था उसको वो नहीं पता था कि उसका रिवर्स गियर कैसे करना है, कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे था कनाडा तो ऑटोमेटिक चला रहा था, उसको वो आइडिया नहीं था। देन उसने यूट्यूब पे देखा उसका रिवर्स कैसे लगता है, वो फिर वो लोग लेने गए और अराउंड सुबह के 3:30 बजे तो दीदी आई। और उस टाइम लिटरली आई कांट, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उसको देख के, बिकॉज के जो पर्सन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आने वाला है और सडनली आपकी शादी के 2 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले आपके पास रहता है, दैट फील ग्रेट। थैंक यू दीदी एंड एवरी वन, मेरे इतने अच्छे कजिन्स हैं जो कि एवरी टाइम दे सपोर्ट मी एवरीथिंग। और यस, मैं कभी फेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लेकिन आई मिस देम। एंड देन फिर मस्ती में अच्छे से सारे कजिन्स के साथ शादी भी हो गई और फिर रिटर्न बैक जाने का टाइम हुआ, बिकॉज के सबको वापस भी जाना था। एक एक करके 1 तारीख तक सब चले गए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और उस बिटवीन में मेरी वाइफ का भी वीज़ा आ गया था तो उसको भी जाना था क्योंकि उसका जनवरी में कॉलेज ओपन हो रहा था। और एटलीस्ट हम लोग ने 20 डेज या 24 डेज हम लोग ने साथ में निकाले और फिर उसका वीज़ा आ गया था तो शी नीड टू फ्लाई। यस आई मिस हर, जो मैं कभी फेस पे नहीं बोल सकता हूँ।